हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो वेव यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास है ये वाली 775 डीसी मोटर। और अगर आपने इसे ऑनलाइन खरीदा होगा तो इसकी प्राइस जो है वो 150 रुपये के करीब होती है, लेकिन कई बार इसी मोटर की प्राइस जो है वो 400 रुपये के करीब होती है। सो गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि मोटर तो दोनों सेम है, ठीक है, 775 डीसी, लेकिन दोनों ही मोटर की प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी गाइस 150 रुपये वाली मोटर है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कम RPM मिलते हैं और इस मोटर का टॉर्क भी है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जो 400 रुपये वाली मोटर है उसमें बहुत ज़्यादा हाई RPM मिलते हैं, ठीक है, और इस मोटर का टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए उसी मोटर की प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो मोटर है जो कि फिलहाल मेरे पास है, ये है 150 रुपये वाली मोटर, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे कि इस मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे ताकि इसकी स्पीड और इसका टॉर्क जो है वो हम बढ़ा सके, ताकि 150 रुपये वाली मोटर में ही आपको 400 रुपये वाली मोटर के जितना हाई टॉर्क और हाई स्पीड मिले। सो गाइज, यही 775 डीसी मोटर की रिवाइंडिंग की वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। लेकिन गाइज, क्या था कि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन वाली बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को वो वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चलिए मैं इस मोटर को आपको चालू करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाले अडेप्टर का, जो कि है 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर का। सो फ्रेंड्स, इस मोटर की आवाज़ को सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि इसकी RPM है जो वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो गाइज, अब इस मोटर को हमें खोलना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो पीछे की तरफ यहाँ पर चार लॉक बने हुए हैं उसको हमें आपको खोलना होगा, ठीक है। लेकिन गाइज, इस मोटर को मैंने पहले एक बार खोला था, इसके लिए जो मेरी मोटर के चारों लॉक है वो खुले हुए हैं। और लॉक को खोलने के बाद मोटर को आपको कुछ इस तरीके से ठोकना है ताकि हमारी मोटर जो है वो खुल जाए। और फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है वो हमारी मोटर का आर्मेचर है जिसके ऊपर वायरिंग लगी हुई है, आप देख सकते हो। और इस आर्मेचर के ऊपर कुछ इस तरीके का फैन भी लगा हुआ होता है जिसको मैंने पहले खोला था, तब निकाल दिया था। अब गाइस, ये जो पुरानी वाली वायरिंग है इस आर्मेचर की, उसे हमें निकाल देना है, तो चलिए फटाफट से इसे खोल देते हैं। सो गाइज, पूरी पुरानी वायरिंग इसके ऊपर से निकालने के बाद इसके ऊपर हमें नई वायरिंग लगानी होगी, तो उसके लिए मैं ये वाले वायर का यूज़ कर रहा हूँ। और ये इंसुलेटेड वायर है जहाँ पे फैन वगैरह रिपेयर होते हैं, वो वाली शॉप से ही आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये वाले आर्मेचर पे पूरी वायरिंग हो सके उतना वायर आपको ये 20 रुपये में तो मिल ही जाएगा। और गाइज, जो है वो कंपेरिजन देखिए दोनों वायर की, ये वाली पुरानी वाइंडिंग का वायर है और ये वाला जो है वो हमने नया वायर लिया है वो वाला है, ठीक है। तो ये पुरानी वाइंडिंग से आपको ये वाला वायर जो है वो थोड़ा सा मोटा लेना है। ये मैंने यूज़ किया है 25 गेज का वायर और ये मुझे पता नहीं, शायद या ये 32 या फिर 33 गेज का वायर होगा। और इस आर्मेचर की वाइंडिंग करें उससे पहले यहाँ पर जो आपको हुक दिख रहे हैं, ये सभी हुक आपको खोल देने हैं। सो गाइज, हमने जो वायर यूज़ किया है ये वाला, ये है इंसुलेटेड वायर, यानी कि इस वायर के ऊपर जो है वो इंसुलेशन की परत चढ़ी हुई होती है। सो इस वायर की वायरिंग हम इस आर्मेचर में करें उससे पहले इस वायर के सिरे पर से हमें वो इंसुलेशन परत हटानी होगी। अब ये वायर के सिरे को कोई भी एक हुक में आपको कुछ इस तरीके से फंसा लेना है और हुक को आपको कुछ इस तरीके से बंद कर देना है और हम इसके ऊपर सोल्डरिंग करके इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने वायर लगाया, यानी कि ये वाला स्लॉट और इसके आगे वाला स्लॉट, यानी कि ये वाला आर्मेचर का स्लॉट, इन दोनों स्लॉट को लेकर हमें इसके ऊपर वायरिंग करनी है। और इस वायर को इन स्लॉट के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर दोस्तों मैं 10 राउंड जो है वो लगाने वाला हूँ इस वायर के। आप चाहो तो 12 राउंड भी लगा सकते हो या फिर 14 राउंड भी लगा सकते हो, लेकिन जितने भी राउंड लगाओ वो हर बार आपको सेम लगाने होंगे। अगर आपने गड़बड़ी की वायर को राउंड में लगाने में, ठीक है, सो आपकी मोटर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा या फिर आपकी मोटर जो है वो चालू ही नहीं होगी। एक और इस वायर के 10 राउंड लग जाने के बाद ये वाले सिरे को लेकर आपको अगले वाले हुक में कुछ इस तरीके से फंसा के इसका नाप ले लेना है। और जहाँ पर ये टच कर रहा है हुक को, वहाँ पर से यहाँ पर से आपको इसके इंसुलेटेड परत को निकाल देना है।
और अब हम इस वायर को हुक में लगा के जो हुक है उसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे। अब दोस्तों सेम तरीके से यहाँ पर हमें दो आगे वाले स्लॉट लेने हैं और उनके ऊपर भी 10 राउंड लगा देने हैं। और 10 राउंड हो जाने के बाद जिस तरीके से हमने ये वायर को लगाया था उसी तरीके से ये वाले वायर को भी इस हुक में लगा देना है। सो गाइज जिस तरीके से ये दोनों स्लॉट में हमें वायरिंग की उसी तरीके से सभी स्लॉट में आपको वायरिंग कर देनी है। और गाइज उसी तरीके से इस आर्मेचर के ऊपर मैंने पूरी वायरिंग कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला सिरा बचेगा उसे जहाँ पर हमने पहला वाला सिरा लगाया था वहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो फाइनली हमारी मोटर की जो है रिवाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए फटाफट से इसे इस मोटर के अंदर लगा देते हैं। तो फिर चलिए गाइस इस मोटर को चालू करते हैं और चालू करने के लिए हम वही वाले अडेप्टर का यूज़ करेंगे जिसका हमने पहले यूज़ किया था। सो गाइस फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि जिससे हम ये वाले मोटर के आरपीएम जो है वो नाप सके, ठीक है। सो गाइस आपको पता चले कि ये वाले मोटर के आरपीएम सच्ची में बढ़े हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि छोटा सा वीडियो का हिस्सा पहले वाले का चलाएंगे जब हमने ये वाले मोटर के रिवाइंडिंग नहीं की थी, ठीक है। और इसके ठीक बाद वो वाला वीडियो चलाएंगे जब हमने ये वाले मोटर की रिवाइंडिंग कर दी थी। और गाइस दोनों ही वीडियो की आप आवाज़ को कंपेरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोटर की स्पीड जो है वो सच्ची में बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये वाली मोटर की रिवाइंडिंग के लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।